तूफानी का दरबार सज गया है। मंत्रोच्चारण के साथ बाबा बर्फानी का स्वागत किया गया, जिससे वातावरण शुद्ध हो उठा। हर कोई बाबा की भक्ति में लीन हो गया है। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ गुफा मंदिर में विधिवत तौर पर बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा की गई। जहां एक तरफ अमरनाथ गुफा मंदिर में पूजन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने कार्यालय में पूजन की सभी विधियां संपन्न कर रहे थे। उन्होंने वर्चुअली बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में हिस्सा लिया। पूजा की सभी विधियां संपन्न करने के बाद आखिर में बाबा बर्फानी की आरती उतारी गई। पूजन संपन्न होने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात भी की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले दो वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। मैं फिर जम्मू कश्मीर के निवासियों से, विशेष रूप से जिधर से यात्रा गुजरती है, इस क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों, वादी के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने पुरातन काल से इस यात्रा को अपनी यात्रा मान करके इसमें पूरा सहयोग किया है। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा है। मुझे विश्वास है इस साल भी उस परंपरा को लोग कायम रखेंगे और जम्मू कश्मीर की एक अच्छी छवि पूरे देश और दुनिया में बने, इसमें सब लोग सहयोग करेंगे। तो अगर यात्रा रूट की बात करें तो अभी यात्रा रूट ठीक है सर? यात्रा के लिए पहले की तुलना में अब यात्रा रूट काफी चौड़ा कर दिया गया है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल उसकी चौड़ाई बढ़ाई गई थी। कुछ स्टेज थे जहां वो नहीं बढ़ सकी थी, बीआरओ ने इस बार उसे भी बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि सबसे सुविधापूर्वक यात्रा इस बार यात्री कर सकेंगे। इस साल श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड यात्रा होने की उम्मीद है। दक्षिण कश्मीर में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र अमरनाथ गुफा में विराजमान बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 52 दिवसीय यात्रा 29 जून को शुरू होगी और इसका समापन 19 अगस्त को होगा।